वैसे एक तो सर ये पूछना था कि जो अभी संस्थान को जैसा हमें पता चला है कि संस्थान में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होने हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें होनी है ताकि जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी तो है ही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस है, और क्या क्या नया होने वाला है जिससे? देखिए स्टेटस ही है लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं, हम आज भी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से एफिलिएट करते हैं। अब हमारा सोच ये है कि कुलदीप साहब भी आए, एकेडमिक करियर के रहे हैं, वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो इनके सोच को मध्य प्रदेश सरकार की सोच के साथ मिला करके और एक बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का सपना हम लोग देखते हैं, जहाँ 1000 बच्चे मिनिमम रहेंगे, इस संस्थान के अंदर रहेंगे और यही रह करके वो दुनिया में जो अच्छी स्टडी होती है उसका अध्ययन करने का, ये हम लोगों की कल्पना है। उस कल्पना को साकार करने के लिए ये एक प्लान बना रहे हैं। अभी हमारी चर्चा भी मीटिंग में भी वो मुद्दा था कि एक 3D प्लान बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वृद्धता के लिए, उसकी विस्तार के साथ साथ दुनिया में अच्छे संस्थान के रूप में बने, उसका मैंने कहा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल व्यक्ति से बनाएं। जब हम लोग जब बैठ के बनाते हैं तो वो चीज़ कई बार छूट जाती है, तो ये अच्छा सोच है इनका और उस सोच को अमली जमा बनाने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो बच्चे PhD करते हैं, खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति के वो बच्चे जो MA करने के बाद PhD करते हैं, MPhil करने के बाद PhD करते हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा था राजीव गांधी फेलोशिप है कम लोगों को मिल पाती थी और बहुत से बच्चों को PhD में खर्चा भी आता है, तो 3 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है। PhD जब बच्चा करता है SPSC का तो वो उम्र होती है जो MCOM के बाद, MA के बाद, और गरीब परिवार के बच्चे आते हैं MCOM MA के बाद होते होते वो लोग नौकरी की ओर और प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी टीचर में चले जाते हैं, जहाँ 10,000-12,000 रुपये 15,000 रुपये तनख्वाह है, तो वो तनख्वाह में और नौकरी में चले जाना पसंद करते हैं, वो PhD जाना पसंद नहीं करते, और जिसके कारण हायर जो एजुकेशन है वहाँ पर लेक्चरर्स की पद हैं वो आदिवासी पद खाली पड़े हैं। क्यों? ड्यू टू वो PhD नहीं। तो PhD ज़्यादा करें, व्याख्याता बने, व्याख्याता नहीं बने तो तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो जो हमारा आदिवासी भाई है वो PhD नहीं कर पा रहा, तो 16,000 रुपया महीना 3 साल तक, अभी मैंने परसों ही ऑर्डर निकाले हैं कि 16,000 रुपये महीना PhD करने वाले वो बच्चे, वो गरीब परिवार के बच्चे जिनके माता पिता की आमदनी 3 लाख से सालाना कम होगी, मध्य प्रदेश सरकार अपने फंड से, अपने रिसोर्स से 16,000 रुपये प्रतिमाह उनको छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति देगी, और वो तब तक देगी 3 साल तक 16,000 रुपये महीना, ताकि वो छोटे मोटे काम में नहीं हो जाए, छोटी मोटी नौकरी नहीं।